हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विशाल भल्ला, आपका दोस्त। और आज हम कुछ एक्टिविटी करने वाले हैं। ये है मेरी वाइफ दीक्षा जी। तो आज हम कुछ चीज़ें लेके आए हैं आपके लिए। आज हम भी बोर हो रहे थे घर पे बैठे हुए, तो हमने सोचा चलिए कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। तो आज हमने क्या किया है, आठ आठ पहेलियाँ दोनों ने अपनी चिट्स में लिख के रख ली अपने पास। तो अब एक एक करके हम ये पहेली एक दूसरे से पूछेंगे, प्लस आप भी जो है इस पहेली का आंसर हमें कमेंट सेक्शन में लिख के दे सकते हैं। तो हम आपको बताएंगे सही है या गलत, लेकिन साथ में आपको पहेली भी लिखनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे तो पता चलेगा नहीं आपने किस सवाल का आंसर दिया है ना। क्यों, हम तो एक पहेली लास्ट में ऐसी पूछेंगे जो आपके लिए होगी, उसका आंसर हम नहीं बताएंगे, आपको गैस करनी होगी। तो वो लिख के रखी हुई आपने पहले से? हाँ जी। ठीक है, तो वो पहेली की चिट आप अलग से रख दो, और जो मुझसे आपको आज पहेली पूछनी है वो आप पूछो, और फिर मैं आपसे पूछता हूँ। ठीक है, स्टार्ट। तो पहले मैं स्टार्ट करूँ या आप? कोई भी। ठीक है, तो पहली पहली मेरी तरफ से, वो कौन सी दो चीजें हैं जिसमें से अगर कोई एक उड़ जाए तो दूसरी भी उड़ जाती है, बताओ क्या? भरोसा। कहीं पे देखा था क्या? नहीं। चीटिंग तो नहीं करी? नहीं। पक्का? पक्का। वेरी गुड, एकदम सही है, लेकिन ये आधा आंसर है, पूरा बताओ। भरोसा तो है, साथ में और क्या है? भरोसा ही पता है। तो मैं आंसर देता हूं अब, भरोसा तो है ही प्लस प्यार। अगर प्यार नहीं है तो भरोसा भी नहीं रहेगा ना, और अगर भरोसा नहीं है तो प्यार भी नहीं रहेगा ना। दोनों में से एक चीज अगर मिसिंग है तो दोनों ही मतलब मिसिंग हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अभी आपका क्वेश्चन पूछो आप। एक फूल यहाँ खिला, एक खिला कोलकाता, अजब अजूबा हमने देखा, पत्ते के ऊपर पत्ता। दोबारा पूछना। एक फूल यहाँ खिला, एक खिला कोलकाता, अजब अजूबा हमने देखा, पत्ते के ऊपर पत्ता। बताओ। मुझे नहीं पता। ये आंसर मैं आप इनको बात नहीं बता दूंगी, आप गैस करके बताना कि इसका आंसर क्या होगा। अभी नहीं बताओगे? नहीं। चलो ठीक है भाई, अच्छी बात है, हम भी देख लेंगे। तो मेरी तरफ से सवाल है अब, ये पहेली है, गोल है पर गेंद नहीं, कांच है पर दर्पण नहीं, रोशनी देता है पर सूरज नहीं, बताओ बताओ वो क्या है? बल्ब। इसने आंसर मुझे लग रहा पहले से ही देखे हो। मैंने आंसर ये चोटी मुझे उल्लू बना रही है दोस्तों। ये मैं उल्लू नहीं बना रही, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रही है। अभी से स्कूल से तो पढ़ के नहीं आई तू? दो अक्षर का नाम है, रहता हरदम जुकाम है, कागज मेरा रुमाल है, बताओ मेरा क्या नाम है? दो दो अक्षर का नाम Napkin. है नहीं टिशू नहीं टिशू नहीं दो अक्षर का नाम है, रहता हरदम जुकाम है। अच्छा, रहता हरदम जुकाम है, कागज में नल नाला नल, दो अक्षर नहीं ना, रहता हरदम जुकाम है, हाँ। कागज मेरा रुमाल है, बताओ मेरा क्या नाम है? पोंछा नहीं, पेन। पेन, हाँ पेन, जुकाम भी रहता है उसको, है ना। बहुत टाइम हो गया मुझे चीजें खेलते हुए। चलो मैं पूछता हूं, लड़की के पास ऐसी कौन सी चीज होती है जो शादी से पहले भी होती है और शादी के बाद भी होती है, पर शादी के दिन नहीं होती, सिर्फ शादी के दिन नहीं होती, शादी से पहले भी होती है, शादी के बाद भी होती है, लेकिन सिर्फ शादी वाले दिन नहीं होती, बताओ क्या? आप भी गेस करो। जल्दी बताओ। बुद्धि नहीं, एक दो दस तक गिनूंगा, तीन चार पांच छ सात आठ नौ
दस नहीं बताना। सरनेम शादी से पहले भी होता है, शादी के बाद भी होता है, लेकिन जिस दिन शादी होती है उस तो दिन उस दिन तो नहीं नहीं होता होता। ना। काली हूं पर कोयल नहीं, लंबी हूं पर डंडी नहीं, डोर नहीं पर बांधी जाती, मैया मेरा नाम बताती। दोबारा पूछो। काली हूं पर कोयल काली नहीं, हूं पर कोयल नहीं, लंबी हूं पर डंडी नहीं, लंबी हूं पर डंडी नहीं, डोर नहीं पर बांधी जाती, डोर डोर नहीं पर बांधी बांधी जाती, जाती है लेकिन डोर नहीं है। मैया मेरा नाम बताती। काली है पर कोयल कोयल नहीं, नहीं, काली है और कोयल नहीं, अरे हाँ वो तो कंफ्यूज करने के लंबी लिए। है पर लंबी डंडी है, काली नहीं, है, लंबी है और डोर नहीं पर बांधी जाती, बांधी भी जाती है। काली है, लंबी है और बांधी जाती मैया है। मेरा नाम बताती। काली है, लंबी है और बांधी जाती है क्या लेकिन डोर है? नहीं हाँ है ना। बताओ बताओ। जूड़ा। नहीं, जुड़ा कौन सा लंबा होता जूड़ा है? मतलब बाल तो लंबे होते हैं ना। नहीं, काली है पर लंबी नहीं, बांधी नहीं जाती। बताओ फिर, आप ही बताओ भैया, हमने क्या बोला। चोटी। तो है तो वही ना। अरे तो मुझे क्या पता, मैंने तो सही आंसर दिया भाई। ऐसा नहीं है भैया, ये तो चलना चाहिए। ये तो ना 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 ना, ऐसे नहीं भैया, मैं नहीं मानता। ये तो आंसर सही था मेरा, जूड़ा तो बोला ही है ना मैंने। जूड़ा नहीं, चोटी। जूड़ा अलग होता है, चोटी तो अलग वो भी तो होती बांधा है। जाता जूड़ा है, ऐसे करके बांधा जाता है, चोटी लंबी होती है। पर है तो बाल ही, बिना बाल के कैसे बांध ना लोगे। ना, चल मैं नहीं खेल रहा है, हार गए तुम तो ही खेल चुप रहा, रह। चैलेंज ही हार चल गए। मैं पूछता हूं अब, ठीक है। ऐसी कौन सी चीज है जो कभी छोटी कभी बड़ी होती है और वो महीने में एक दिन नजर भी नहीं आती है। चांद। इसे सब पता है, इसने मेरे सारे क्वेश्चन आंसर देख लिया दोस्तों। झूठी है, एक नंबर की चोटी। हेल, उल्लू बना रही है मुझे। हेल, झूठ बोल रही है ये। इसने, नहीं मुझे लग रहा है इसने देख लिया, क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर के लिए बाहर गया था, मैं वापस आके देख नहीं रहा हूँ। मुझे अगर लग रहा है मैंने कुछ ना देखे कुछ होते उसने ना तो देख मैं लिया, सारे आंसर बता देती। क्योंकि मैंने बात थोड़े है ना बाद में लिखे हैं, थोड़े पहले लिखे थे। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को ऐसा किसी हो की भी सकता कसम है, खिला ऐसा हो दो, मैंने सकता है, नहीं मुझे देखे। डाउट कमर है इसके ऊपर। इसने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है। अगली बार से बांधे मैं घर में रहती, सुबह शाम जरूरत है पड़ती, बताओ क्या? कमर बांधे। घर में रहती, सुबह शाम जरूरत है रहती, सुबह और शाम जरूरत है रहती घर में। कमर बांधे घर में रहती, सुबह शाम जरूरत है पड़ती, बताओ क्या? सुबह भी उसकी जरूरत पड़ती है, शाम को भी उसकी जरूरत पड़ती है, बताओ बताओ। बीवी। नहीं, बीवी की तो इन लोगों को रोज जरूरत पड़ती है, पूरे टाइम बीवी चाहिए। सुबह और शाम क्या होता है? क्या नहीं, होता क्या दोबारा पूछो सवाल। है? मुझे कुछ सूझ नहीं रहा। कमर बांधे घर में रहती, कमर बांधे घर में रहती, सुबह शाम जरूरत है पड़ती, सुबह शाम बताओ जरूरत है क्या? रहती। मुझे नहीं पता। झाड़ू झाड़ू। शाम को कौन लगाता है? लगाते चल हैं पागल, सुबह शाम को भी। नहीं लगाता कोई झाड़ू, नहीं नहीं सुबह नहीं भी होटलों जो में लगता है पहेली है उसे। वो नहीं पहेली भाई, ये तो बेकार सा पहेली है। पहेली के नाम पे लानत है, ये लानत। ये हार रही है, 3 पॉइंट्स मेरे को मिल बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, मैं नहीं चुके मानता इस पहेली को। आप भी कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, ये क्या, ये पहेली है भी या नहीं है। मुझे तो नहीं हार लगता ये कोई है। पहेली है, उल्लू बना। ये कोई पहेली वहली नहीं है भाई। ऐसे ही चैलेंज हम आपके लिए और भी लाएंगे, अभी आगे आगे देखो होता है क्या। अब मेरी बारी। हाँ, वो कौन सी जगह है जहां अगर 10 आदमी जाते हैं तो केवल 11 वापस आते हैं। 10 जाएंगे, 11 आएंगे, 9 भी नहीं, 8 भी नहीं, 7 भी नहीं, 12 भी नहीं, 13 भी नहीं, 14, 15, 16, कुछ भी नहीं। 10 जाएंगे दोस्तों और 11 वापस आएंगे। आप भी गैस करो क्या है वो। 10 लोग जाते हैं और 11 लोग वहां से वापस आ जाते हैं, ऐसी कौन सी जगह है वो। कोई तो जगह होगी ना। शादी।
इसने सब पढ़ ला ये उल्लू बना रही है, सब पढ़ के रखा हुआ भैया, ये उल्लू बना रही है क्योंकि जब मैं लिख रहा था ना ये वही थी बैठी, ऐसा कुछ नहीं है, ये हार रहे हैं, मैंने कुछ नहीं देखा, सारे गेम का मजा बिगाड़ रखा है। ऐसी क्या चीज है जो आगे रहने पर ऊपर रहती है, सो जाने पर गिर जाती है? ये कैसा गंदा सा सवाल है बताओ। ये जो उन्होंने पहली पूछी थी इसका बहुत लॉजिक सा था कि 10 जने अगर शादी में जाएंगे तो एक लड़की वापस उनके साथ ही आती है। अच्छा। इसमें कौन सी चीटिंग की बात है? ऐसी क्या चीज है जो आगे रहने पर ऊपर रहती है, सो जाने पर गिर जाती है? बाल भाई खड़े रखते हैं ना, फिर बाद अच्छा, में सो जाते हैं सोते समय, और क्या जाते हैं? हाँ, ऐसे बिखरे हुए होते हैं ना जब हम सुबह उठते हैं। नहीं 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 नहीं, चोटी भी तो है। नहीं नहीं, चोटी भी अभी तूने बांधी हुई है, जब सुबह उठेगी तो ऐसे फैले हुए बाल होंगे, गिर जाती है वो। फिर पल के दोबारा सवाल बताइयो क्या था। ऐसी क्या चीज है जो आगे रहने पर ऊपर रहती है? हाँ, ऊपर हो गई, और सो जाने पर गिर जाती है। अच्छा, सही है भाई, वेरी गुड। मेरे सारे सवाल बकवास से लग रहे हैं, मुझे इसके तो सही से ये बकवास इसलिए लग रहे हैं क्योंकि इसको आंसर पहले से पता है। नहीं जी। चलो मेरा मेरी बारी। वो कौन सी जगह है, ये बाद में पूछेंगे क्योंकि इसको सब पता है। वो कौन सी जगह है जहां अमीर और गरीब आदमी आदमी ठीक है, अमीर और गरीब आदमी की बात हो रही है यहाँ, अमीर गरीब आदमी दोनों को कटोरा लेकर मांगना पड़ता है? मंदिर। खड़े रहना पड़ता है। हाँ, जाहिर सी बात है जब खड़े होते हैं तो फिर मांगते भी है ना। मंदिर तो नहीं है भाई, मंदिर में क्या कर, तू कटोरा लेके जाती है क्या? भगवान दे दे मुझे अल्लाह के नाम पे। कटोरा तू जाती है कटोरा लेके? पहले लोटा लेके जरूर जाते हैं लोग सुबह सुबह, कटोरा लेके थोड़ी ना कोई जाएगा। तो तू बता, कटोरी है कटोरा नहीं है? और कटोरी लेके मंदिर क्यों जाएगी, हम तो नहीं गए आज तक। द्वारा बोलो पहेली ये पहेली इसने पढ़ी ली है लग रहा है। वो कौन सी जगह है जहां अमीर और गरीब दोनों आदमी, मतलब अमीर गरीब किसी भी प्रकार का आदमी जाएगा, जाने के बाद कटोरी लेकर उसको खड़े रहना पड़ता है? पता नहीं। नहीं पता? आप लोगों को पता है? मुझे लगता नहीं, शायद आप में से भी किसी को पता है, अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं क्या है उसका आंसर। तो इसका आंसर है गोलगप्पे की दुकान, क्योंकि गोलगप्पे की दुकान पे कोई भी इंसान जब जाता है, वो अमीर हो गरीब हो, तो कटोरी लेके उसको खड़े रहना पड़ता है। उसके बाद गोलगप्पे वाला कहता है बस जी अभी दे रहा हूँ, फिर उसके बाद वो गोलगप्पे देना स्टार्ट करता है। तो है ना बढ़िया। यस, हरी झंडी लाल कमान, तौबा तौबा करे इंसान। रेल। नहीं नहीं, हरी झंडी तौबा तौबा, रेल आती है तो तौबा तौबा करते हैं। हाँ भैया, हाय तौबा हो जाती है ना, क्योंकि ट्रेन में सबको घुसना होता है, भीड़ इतनी होती है हमारे रेलवे स्टेशन पे। हरी डंडी लाल कमान, तौबा हरी झंडी बोला था पहले, तूने पहले हरी झंडी बोला था, डंडी नहीं बोला था। हरी डंडी लाल कमान, तौबा तौबा करे इंसान। हरी डंडी लाल कमान, तोबा। अच्छा, मिर्ची। बिल्कुल सही भाई, हरी डंडी। एक पॉइंट इनका, 4 पॉइंट मेरे। तूने सब चुराए थे मेरे सवाल। नहीं चुराए थे, चल। नहीं, ये जो हारता है ना वो यही कहता है। जो देखता है ना उसको ये बात चुभती है, इसलिए वो ये बात बोलता है। आप ही ऐसे हो। हाजी हाँ, हाजी हाँ। चलो सारी बातें छोड़ के हम सवाल पूछते हैं अपना। तो क्या आप खेलना चाहेंगे ये वाला सवाल? ये सवाल है पूरे 100 करोड़ रुपए के लिए, तो अब आपसे पूछा जाएगा। आप से ही ये बोल रहे हैं 100 करोड़ देने वाले एक चवन्नी भाई, देने के लिए 1 रुपया नहीं है मेरे पास, लेकिन सवाल 100 करोड़ का है। अभी लेना है लो, नहीं लेना तो वो आपकी मर्जी है। पढ़ने में लिखने में दोनों में ही आता है काम। अच्छा, पढ़ने में लिखने में दोनों में ही आता है काम, पेन नहीं कागज नहीं, बताओ क्या है? मेरा नाम। मोबाइल। पढ़ने में लिखने में दोनों में ही आता है काम, पढ़ने लिखने में काम आता है ठीक है, पेन नहीं है लेकिन,
कागज भी नहीं है तो बताओ क्या है उसका नाम। किताब। पढ़ने में लिखने में नहीं आता है, पता पढ़ने नहीं, में लिखने में नहीं आता है काम। काम नहीं आता ना वो, पढ़ने में लिखने में दोनों में ही आता है काम। काम आता भाई, कंफ्यूज तो करना पड़ेगा ना, कंफ्यूज तो करना पड़ेगा, बिना कंफ्यूज किए कैसे काम चलेगा बताओ। मुझे नहीं पता। पढ़ने में लिखने में आता है काम, पढ़ने लिखने में काम आता है, लेकिन पेन नहीं है और कागज नहीं है। बुद्धि। पेन नहीं है, कागज नहीं है, पढ़ने में लिखने में आता है काम। हाँ बुद्धि भी देखा जाए तो सही है वैसे, लेकिन पढ़ने, देख पढ़ने लिखने में जाहिर सी बात है यार, वो तो लॉजिकली है भाई, पर बुद्धि होएगी तो पढ़ोगे ना यार, जब बुद्धि नहीं होगी तो पढ़ोगे कहाँ से, है ना। तो कुछ और चीज बताओ। आंखें भी काम आती है, दांत भी काम आते हैं। दांत किसके काम आते हैं? खाने के आते हैं ना, पढ़ने लिखने के थोड़ी ना काम आते हैं वो। पता नहीं मुझे। नहीं पता? चश्मा। चश्मे का यूज किया जाता है ना पढ़ने लिखने में, ओके लेकिन बिना देखा, चश्मे के ये कितना आंसर नहीं झूठ बने। बोलते हैं, मैंने सारे अरे तू आंसर रहने दे, दे ये वो वाले क्वेश्चन है जो मैंने बाद में लिखे हैं, जो मैंने पहले लिखे थे 4-5, तूने उसको देख लिया दिए। है नहीं या तूने देखा, आंसर चेक कर लिया है? नहीं चेक क्योंकि करे। तेरी नजर यही थी मेरी तरफ चिप्स खाते चलो हुए। आगे बढ़ते हैं, हारने वाले लोग हमेशा जलते हैं। इसके कितने हो गए गलत ये बताओ पहले, अभी पता चल मैंने तो जाएगा, गिने नहीं। क्योंकि इतनी हुई थी 5 तो ही गए होंगे, पार्टी 5 देनी है ना, इसलिए हो गए चलो। ना। हरी है उसकी काया, लाल मकान में काला शैतान समाया। क्या क्या दोबारा न, न, बोलो। न, 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 न। हरी है उसकी काया, लाल मकान में काला शैतान समाया। हरी है उसकी काया, लाल कमान। लाल मकान में काला शैतान समाया। आपको पता है, हरी है उसकी कमान, हरी है उसकी काया, काया लाल मकान में काला शैतान समाया। हरी है उसकी काया, लाल मकान में काला शैतान समाया। समाया। हरी है उसकी आंखें, हरी ये पहेली को बना रहे हैं गाना। है उसकी काया। अरे हार मान लो। बताओ भैया हमें नहीं पता चल रहा। तरबूज। हरी है उसकी काया, अंदर लाल मकान है मकान है समाया, और फिर काली है, उसके ऊपर काले जो बीज होते हैं, काला शैतान समाया। चलो अच्छा तरबूज। चलो, लास्ट मेरा है अब ये, आखिरी पहेली। वो कौन सी जगह है जहां अगर 10 आदमी जाते हैं ये अभी तो पूछा था इन्होंने मेरे से। हे लेकिन वहां तो 11 आते हैं ना, अब यहां 9 आएंगे। भगवान, ये कैसी कैसी चीजें। भाई 10 लोग जाते हैं तो 9 लोग आएंगे। मौत। मौत? क्या मौत? मौत से क्या मतलब, मौत में तो एक जाएगा ना, 0 हो के आएगा भैया। 10 9 10 से 9 थोड़ी ना हो जाएंगे। सही आंसर दो, सही आंसर। पूरी हमें पहेली तो पूरी बोलो। पहेली हो तो गई, 10 आदमी जाते हैं, 9 आदमी वापस आते हैं, जगह का नाम बताओ ही है क्या है। पता नहीं। इसे सब पता ही, उल्लू बना रही है अब, इसने नहीं सारे आंसर देख रखे हैं भैया। पता, नहीं झूठ पता? बोल रहे हैं, सच सच बोल, नहीं पता। नहीं पता? 10 लोग गए, 9 लोग वापस आते हैं, और जहां 10 लोग जाते हैं वहां से 11 आते हैं, उसको क्या कहते हैं? शादी। तो फिर 10 गए, बर्बादी। 10 गए, हाँ तो बर्बादी ही कह लो उसको भाई, शमशान है ना वो। दस मैंने लोग क्या गए, कहा था, मैंने क्या मौत कहा नहीं भैया, मौत नहीं, ना ना ना, मौत तो अलग चीज होगी ना, मौत मतलब मौत तो अलग चीज होगी। अब ये शमशान जहां पे जलाया जाएगा या दफनाया जाएगा, है ना, तो ये तो वो चीज होगी ना। तो इसके 4 गलत है भैया, इससे 4,000 रुपये लेने हैं मुझे, था। हाँ, और लाओ इनके मेरे 4,000 पूरे बताओ। 10 गलत है, मेरे मेरे को दस 10 हजार गलत कहाँ रुपए है? देने मेरे हैं। 10 गलत कहाँ है? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ दो बोलो। अंगुल की है सड़क, उस पर रेल चढ़े बेधड़क, लोगों के है काम आती, समय पड़े तो खाक बनाती। दोबारा बता। दो अंगुल की है सड़क, सड़क, उस पर रेल चढ़े बेधड़क, लोगों के है काम आती, समय पड़े तो खाक बनाती। जुबान, माचिस। दो
ये कैसा सवाल पूछती है? दो उंगलों की है सड़क, उसमें दो होती है उंगले, कैसे? तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी बताना। दो उंगलों की है सड़क, दो उंगलों की है सड़क, एक उंगली और दो उंगली। हाँ, देखा जाए तो दो उंगली, अगर उंगली वहां पे लगा दो, दिमाग लगाओ, अंतर अपने आप बन जाएगा। सड़क और आगे क्या था, दोबारा बताओ जल्दी से मुझे। उस पर रेल चले बेधड़क, तो रेल होती है वो माचिस की, वो जो तिल्ली होती है वो रेल है। बेल चले बेधड़क, भैया क्या क्या उठा के लाती है ये, मैं नहीं मानता इन चीजों को। ये किसी चीज को नहीं मानते, खैर छोड़िए इन चीजों को, ये तो सब चलता रहेगा दोस्तों। तो ये वीडियो अब आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो बताएं जरूर। बाकी जिस जिसने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे गुजारिश है आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे सब्सक्राइबर बहुत ही कम है, तो अगर आप लोग प्यार देंगे हमें, सपोर्ट करेंगे, तो हम आगे भी आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। और ये वीडियो बनाने के लिए टाइम की बहुत कमी होती है हमारे पास भी, क्योंकि हम भी बहुत चीज़ों में लगे हुए रहते हैं। आई होप आप भी ऐसे ही बिजी रहते होंगे, तो ये अच्छी बात है। लेकिन हम बस यही चाहते हैं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, आपके काम आएगा मेरा चैनल, क्योंकि मेरे चैनल पर और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं जो कि आपके काम आ सकती हैं। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।